ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित ये फैशन शो है. दिस इज फैशन फॉर अ कॉज. राशि जी एंड पूनम जी ने इसे ऑर्गेनाइज किया है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, क्योंकि आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर ही फॉर शी एंड ऑल्सो मैं और मेरी फाउंडेशन जो है वो बच्चों के लिए गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन के लिए बहुत काम करती है. और मैंने सोचा कि मुझे इसमें चलना चाहिए. मेरा पहला शो है ऑन द रैम एंड आप जो कह रहे हैं कि ये ड्रामेटिक है. मैं थिएटर से बिलोंग करता हूँ. मैं फैशन शो को एक थिएटर की परफॉर्मेंस जैसे इमेजिन करता हूँ. और तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हम आपको सूट दे देते हैं, शेरवानी दे देते हैं. पर अनुपम का मतलब है जिसकी उपमा ना हो, तो मुझे लगा कुछ ऐसा पहनना चाहिए जो डिफरेंट हो. एंड आई एम वेरी हैप्पी. दिस इज the great cause and I'm very happy to be here. Sir, आपको आपको सर ये पूछना चाहूँगा कि आपने training ली है NSD से, तो आपको training लेके बस back करना कितना benefit रहा इस situation की? Training सही हो सकता है. मेरा तो पिछले 12 साल से school चल रहा है, इसी वजह से because मैं believe करता हूँ कि training is very important, not only in performance but it also changes you as a person. And this is a designed by study by Janak, Wendy ने और मनोज ने इनको design किया है. और मैं जैसा कि हमेशा शो से पहले थिएटर के शो से पहले नर्वस होता हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी. अनुपम सर, गर्ल चाइल्ड की बात हो रही है, एक फिल्म आ रही है दंगल, जिसमें पूरी पूरी लड़कियों को, तो आप किस तरह उस फिल्म को आगे ले? आई थिंक मैंने जो भी प्रोमो देखा है मुझे अच्छा लगा. एंड उसकी टैग लाइन है कि शायद ये बेटी नहीं बेटे जन्मे हैं, मतलब आई थिंक बहुत अच्छी बात है. और बेटी को बेटे की ही तरह, बेटी की तरह ही हमें पनपता देखना चाहिए. एंड आई एम श्योर आमिर मस्ट हैव डन ए ग्रेट जॉब, बट आई हैव नॉट सीन द फिल्म सो इट्स नॉट राइट. बट हमारे जो प्रधानमंत्री का भी जो ये है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन या विमेन के कॉजेज को लेकर काफ़ी उन्होंने इसकी चर्चा की है, लाल किले से चर्चा की है, अपने भाषण में चर्चा की है. एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉर्ट ऑफ गिव अ सर्टन काइंड ऑफ बेसिक एजुकेशन टू चिल्ड्रन, स्पेशली टू गर्ल्स, बिकॉज मेरे हिसाब से बाय UN women का एक एस्टिमेट है कि 2013 तक वी शुड हैव अ 50-50 रेशो ऑफ इक्वालिटी ऑफ राइट्स फॉर वुमेन. सो आई थिंक इट्स सर, यहाँ पर एजुकेशन के बारे में भी चर्चा हुई है, उसके अलावा भी वीडियोस जो विधवा होते हैं उनके बारे में भी चर्चा हो रही है, उनको उनका. देखिए, हर कॉज के लिए सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है, उसके लिए कुछ करना जरूरी है. करना इसका मतलब करना ये कि यू हैव टू कम एंड सॉर्ट ऑफ, अब आपके मेरी वजह से अगर आपके देश की तरफ बाकी लोगों की तरफ हम अपना पैगाम पहुँचाते हैं विधवा की प्रॉब्लम पर या गर्ल चाइल्ड पर या इक्वालिटी पर. अभी हाल ही में मैं एक और किसी फंक्शन में यहाँ से आज से 15 दिन पहले आया था, जिसमें 5 ग्रेट विमेन ऑफ इंडिया को हमने अवार्ड दिया था. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू योर बिट सो दैट वी डोंट इवन ओनली इन इम्पॉर्टेंट इशूज वी मेक विमेन फील इक्वल, बट रियली ट्रीट देम, बिकॉज वी आर बॉर्न. My mother is very important to me, my sister is very important to me, my wife is very important to me, and so is every child who has not been able to get a proper education. A girl child is very important. Sir, आपका लंबा फुल करियर रहा है, आप इतने लंबे. अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ बेटा. सर भाई पूछे तो यार, कमर पूछे तो इस करियर में सर काफी छोटे जगह भी आपने शूटिंग की होगी. हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट ने 2 करोड़ का सब्सिडी दिया है फिल्म मेकर्स को आके वहाँ बनाए, और झारखंड बता अभी भी अंडर डेवलप प्लेस है, तो झारखंड गवर्नमेंट को कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे एज अ सेलिब्रिटी. मैं उस कमेटी का चेयरमैन फिल्म झारखंड फिल्म सोसाइटी का, वो मैं इसलिए झारखंड का बना बिकॉज उस इलाके को हमेशा कभी बार बार इसी इलाकों से माना जाता था कि माओइस्ट रहते हैं, बट हमने 2 फिल्मों की वहाँ पर शूटिंग की, धोनी की और एक हमारी प्रोडक्शन में गुंडे एंड गुड़िया की पूरी शूटिंग की. उनकी जो फिल्म स्मृति की जो फिल्म वो है वो बहुत ही अच्छी है, एंड ऑल द पीपल फ्रॉम बॉम्बे और अदर प्लेसेस शुड गो एंड शूट देयर, फैंटास्टिक फैसिलिटी.
बूम नीचे रख दो नीचे ले लो क्या चाहेंगे आप वुमेन एम्पावरमेंट तो हमेशा ही चलती आ रही है और हमारे प्रधानमंत्री ने तो हमें बढ़ावा बहुत दिया है सो आज मैं यहाँ पे इसी एक कॉज के लिए खड़ी हूँ एंड वी ऑल वुमेन आर हियर टू सपोर्ट द कॉज एंड आई एम वेयरिंग राजू तंगरी एंड वुमेन इज ऑल अबाउट ब्यूटी एंड एम्पावरमेंट एंड दैट्स व्हाट वी आर डिपिक्टिंग यू डू यू हैव अ फैशन रेजोल्यूशन फॉर 2017 I think today's fashion resolution will be continue empowering women empowerment. And your fashion mantra otherwise? Being simple all the time. Yeah. Thank you. Not at all. I'm happy. This time मैंने देखा था for obvious reasons. लेकिन अच्छा है आई थिंक ही वॉज फेयर एंड स्क्वेयर एंड 9 हफ्ते बहुत ही लंबा टाइम होता है नो नो आई एम वेरी हैप्पी ही इज आउट एक्सपेक्टेशन करें कि वो विनर होके निकलेंगे आप ऐसी उम्मीद रखती हैं No, no, he's out and we are happy and he's very straight. So I don't think so the re-entry will happen because only the wicked ones get re-entries. Thank you.